सभा को संबोधित कर रहे हैं और आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल इस वक्त प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा हो रही है, लेकिन बात मध्य प्रदेश की अगर करें तो बैतूल में कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने हमला बोला है, कहा है कि कांग्रेस ने एमपी में हार मान ली है। पूरे एमपी से इसी तरह की रिपोर्ट मिल रही है, कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है और कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने उनके झूठे वादे नहीं टिक सकते। हार निश्चित देखकर कांग्रेस नेता बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछते थे, इन्हें पता नहीं कि मोदी किस मिट्टी का बना है। मोदी नर्मदा का पानी पीकर बड़ा हुआ है, जो कहता है वो करता है। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार उन्हें खबर मिल रही है कि कांग्रेस हार रही है, इसीलिए सिर्फ महज